Mulher. Βασίλειο πούρον τη τιμητά καστή του ενέη παίρνητα. Εκάλικα κι είστε πει. Βίλη καμδέ γνώμη τι. Εκάρμα. Διόκη. Νίκα της καλαδούλας του θα μου λέει. Βαζάρμε ως το μέσα πήγα. Ουσία έχουμε κάτι καλά του κατεκτά για να μην φυνάμε. बाजार में कुछ भी स्थितियों में एकता की गाय की स्थिति पाई जाती है। एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। एकाधिकारी अधिकतम लाभ कमाने के लिए मूल्य विभेद कीमत विभेद को अपनाता है। अर्थात कीमत विभेद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक एकाधिकारी किसी वस्तु की अधिकाधिक बिक्री करने में सफल होता है, अधिकतम लाभ कमाने में सफल होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो एकाधिकारी की स्थिति एक व्यक्ति को अधिकतम विक्रय करने, अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सफल बनाती है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कीमत विभेद एकाधिकारी का अधिकतम बिक्री करने का एक मुख्य स्तर माना जाता है। कीमत विभेद मूल्य विभेद का अर्थ एवं कीमत विभेद जिसे हम मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार के नाम से भी संबोधित करते हैं वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की जो कि एक ही उत्पादन लागत उत्पादित है अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमतों पर बेची जाती है। वह बाजार स्थिति जिसमें एक वस्तु को एक ही नियंत्रण के अंतर्गत एक उत्पादन लागत को उत्पादित वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है उसे हम कीमत विभेद या मूल्य विभेद के नाम से संबोधित करते हैं। कीमत विभेद एकाधिकारी बाजार में एक रूप वस्तु या ऐसी वस्तुएं जो जिनकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। कीमत विभेद ये प्रकार या प्रोफेसर बीपू ने कीमत विभेद के कई प्रकार बताए हैं। पहला है व्यक्ति मूल्य जब एक उत्पादक या एकाधिकारी के द्वारा अपनी वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तो इसे हम व्यक्ति मूल्य के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे डॉक्टर के द्वारा गरीब व्यक्ति से कम फीस, धनवान से ज्यादा फीस, इसका एक अच्छा उदाहरण है। कीमत विभेद व्यक्तिगत सेवाओं वाली वस्तुओं पर लागू होता है। जब एक उत्पादक के द्वारा अपनी वस्तु को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तो इसे हम स्थान मूल्य विभेद के नाम से जानते हैं। जैसे एक वस्तु जिसे हम तारानगर के स्थानीय बाजार में अलग कीमत पर बेचते हैं, चोरू के स्थानीय बाजार में अलग कीमत पर बेचते हैं तो इसे स्थान मूल्य विभेद कहते हैं। स्थान मूल्य विभेद भौगोलिक दूरी, यातायात साधनों की लागत, ग्राहकों की अनभिज्ञता के कारण भी लागू होता है। उपयोग मूल्य विभेद
जब एक उत्पादक के द्वारा अपनी वस्तु को अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तो इसे हम उपयोग मूल्य विभेद कहते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के द्वारा घरेलू जो सामान है उस या कृषि सामान है उसको कम किराए पर ढोया जाता है, वाणिज्यिक सामान है उसका किराया ज़्यादा रखा जाता है। इसी प्रकार रेलवे के द्वारा डाक विभाग के द्वारा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कम कीमत रखी जाती है, कम शुल्क रखा जाता है, और जो विलासी वस्तुएं हैं उनकी ऊँची कीमत रखी जाती है। ऐसे ही जो बिजली विभाग है उसके द्वारा घरेलू कार्यों के लिए कम और कृषि कार्यों के लिए कम और वाणिज्यिक कार्यों के लिए ज़्यादा बिजली की दरें रखी जाती है। जब एक उत्पादक के द्वारा अपनी वस्तु को अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तो इसे हम समय मूल्य विभेद के नाम से संबोधित करते हैं। टेलीफोन विभाग के द्वारा रात्रि में अपने विभाग की सेवाओं के लिए कम कीमत रखी जाती है और दिन में ज्यादा रखी जाती है, तो ये किसका उच्च मूल्य भेद सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होता, अलग अलग परिस्थितियों में संभव होता है। पहला है एकाधिकार, यानी एकाधिकारी बाजार में मूल्य भेद संभव होता है, एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य भेद संभव नहीं होता। तो मूल्य भेद के लिए आवश्यक है कि संबंधित बाजार में एकाधिकारी स्थित हो। जिन बाजार में मूल्य भेद बनाना है अलग होने चाहिए, उनमें पर्याप्त भौगोलिक दूरी होनी चाहिए, उनमें रिसाव या टक्कर की संभावना नहीं होनी चाहिए, संपर्क का अभाव होना चाहिए। जिन बाजारों में मूल्य भेद बनाया जाता है उनकी मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। यदि मांग की लोच अलग अलग है तो वहां पर मूल्य भेद संभव होगा। अज्ञानता की स्थिति में भी मूल्य भेद अलग अलग होता है। वे व्यक्ति जो अज्ञानी जिन्हें यह भ्रम रहता है कि ऊंची कीमत पर अच्छी वस्तु मिलती है और नीची कीमत पर कमजोर वस्तु मिलती है, तो वहां पर भी मूल्य होता है। यातायात आदि के कारण भी दो स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर अलग अलग वस्तु बेची जाती है। यदि विक्रय की शक्ति अलग अलग है तो भी मूल्य भेद संभव है, अर्थात यदि नगद में विक्रय किया जाता है तो वहां पर ऊंचा मूल्य, धार में विक्रय किया जाता है तो कम या ज्यादा मूल्य हो सकता है। स्थान आकर्षण जो काउंटर है अन्य ये भी क्या है मूल्य भेद को संभव बनाते हैं। यदि कोई गारंटी दी जाती है, कोई उपहार दिया जाता है तो उस समय भी मूल्य भेद लोगों में भ्रम रहता है
कि ऊंची कीमत पर बढ़िया वस्तु और नीचे कीमत पर घटिया वस्तु, तो उस समय भी मूल्य भेद संभव। जानकारी का अभाव है, वो ये नहीं जानना चाहता कि किस कीमत पर क्या वस्तु मिल रही है, तो उस समय भी मूल्य भेद संभव होता है। करके कारण भी मूल्य भेद संभव। सरकार कुछ स्थानों पर कर लगा देती है, कुछ पर छूट दे देती है, जैसे आजकल डीजल या पेट्रोल है राजस्थान में ऊंचे कर लगे हुए हैं, हरियाणा वगैरह या जो नाइबरिंग स्टेट है वहाँ पर कम कर लगे हुए हैं, तो उसके कारण भी मूल्य भेद संभव। प्रत्येक सेवाओं पर मूल्य भेद संभव है क्योंकि इनकी दोबारा बिक्री नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता के द्वारा मनचाही कीमत वसूल की जा सकती है। अलग अलग यदि अनुबंध किए जाते हैं अलग अलग वस्तु के लिए, तो उस समय भी क्या है विक्रय मूल्य भेद संभव है क्योंकि विक्रेता अपनी वस्तु की अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य भेद वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्पादक अपनी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग व्यक्तियों को बेचता है। मूल्य भेद एकाधिकारी बाजार में संभव होता है। मूल्य भेद मांग के बीच में अंतर होने पर ही लाभदायक होता है और मूल्य भेद उसी समय संभव होगा जबकि ग्राहकों में आपस में संपर्क नहीं है।